दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज ये वीडियो मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बड़े बड़े सपने देखे थे इस चैनल को लेके, कि मैं अपने चैनल से बहुत कुछ करूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने लिए अपने सपने पूरे करूंगा। लोग लाखों रुपए कमाते हैं, हम भी कमाएंगे, और भी बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन वो सब चूर चूर हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहे, रोजाना वीडियो डाली, लेकिन कोई फायदा नहीं, व्यूज ही नहीं आता। सारे तरीके, सारे टॉपिक भी लगा लिए अपने चैनल पर, सब कुछ कर लिए, लेकिन व्यूज नहीं आता। लेकिन अब जो फाइनली डिसीजन मैंने लिया है कि हम यूट्यूब को छोड़ रहे हैं, और यूट्यूब को छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे वो लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम यूट्यूब पर हैं तब तक ही आप हमें देख सकते हो, और जब हम यूट्यूब ही छोड़ देंगे तो आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं जॉब ढूंढेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि वहां से हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। YouTube पे क्या हमारा कम व्यूज आता है, चैनल भले ही मोनेटाइज है लेकिन व्यूज नहीं आता है, तो हमें हमारे लिए कुछ भी कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं कि हम ऑफिस भी जाते हैं, उसके बाद भी घर पर है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, और उसके बाद हम टाइम निकालकर वीडियो बनाते हैं रात में जाग जाग कर, और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, पूरा देखते नहीं हो। आजकल YouTube पर वीडियो वायरल कब होता है, जब उस पर वॉच टाइम ज्यादा होता है, CTR ज्यादा होता है, लेकिन ये सब तब ज्यादा होगा जब आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखोगे, नोटिफिकेशन आता है उसको क्लिक करके देखोगे। यहाँ पर आप लोग प्यार ही नहीं दे रहे हो, आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं। सो आज फाइनल डिसीजन यही है कि मतलब YouTube को छोड़ना है, लेकिन फाइनली अगर अकेले में बैठ के हम सोचते हैं कि छोड़ने के बाद भी हम क्या करेंगे, मतलब हमें भी कहीं ना कहीं फिर भी काम करना है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर हमें मतलब कहीं ना कहीं मजदूरी टाइप का काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक स्मार्ट टाइप से काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घर पर बैठ के बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को लेते हैं कि हम यार घर पर बैठ के वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में, और हो सकता है हमारी कब किस्मत खुल जाए, तो इसलिए हमें लगातार लगे रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपने यूट्यूब टाइम में देखे हैं, जब से मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, कि जो कुछ भी नहीं करते थे और अचानक से उनकी कोई वीडियो वायरल हो गई, कभी व्यूज ही नहीं आते थे, अचानक से कोई वीडियो वायरल हो गई, उस दिन से उनके सब्सक्राइबर बेस बन गया और व्यूज आने स्टार्ट हो गए। तो यूट्यूब पर ऐसा ही है, जब तक सफलता नहीं मिल रही है तब तक नहीं मिल रही है, और मिल जाती है तो फिर उससे बड़ा आदमी फिर कोई होता नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो यही है आज के इस वीडियो में, जो मेरे मन में बार बार ख्याल आते हैं कि यूट्यूब को छोड़ देते हैं, और ऐसे मन में आपके भी मन में ऐसे सवाल आते होंगे। आज भी मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा था, और उसी को देखकर मैं इस वीडियो को बना रहा था, और लास्ट में फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मेरे मन में ख्याल आ गया कि कहीं ना कहीं देखो यूट्यूब पर हैं तो लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और पता नहीं कब हमारी किस्मत खुल जाए। हमारे हाथ से जा क्या रहा है, मुश्किल से घंटे 2 घंटे का टाइम जा रहा है पर डे, और कुछ नहीं। हम और कोई काम कर रहे हैं तो वैसे भी तो कर सकते हैं, ये पार्ट टाइम में ही तो हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब को छोड़ के ही हम कोई दूसरा काम क्यों करेंगे। हम और काम कर रहे हैं उसके साथ में, हम यूट्यूब भी चला रहे हैं, तो ये सारे ख्याल जब हम सोचते हैं कि हमारे हाथ से जा क्या रहा है, बस आ ही रहा है, कुछ ना कुछ आएगा ही, और आप लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है, और जब आप लोग वीडियो पर देखते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो शायद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, कि हमें YouTube को आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें काम करते रहना है YouTube पर, और बस सफलता किसी दिन मिलेगी। और आप लोग यार प्यार से वीडियो को देखा करो, और तभी हम आगे मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने के लिए।